Hello students, this is Kausar Ashraf, teacher of Fresh Bird School, and today we will be studying this chapter, The Magic Pot, and I will be just giving you a short summary. Go through to the story and see what actually it is. Okay, so this story is about a carpenter. His name is Rampal, and he's a carpenter. He has a small shop in the market, and he is making a bed. At the time, he is making a bed, aur wahin se ek saint ही क्रॉसेज बाई एक सेंट है, एक बाबा है जो वहाँ से गुजरते हैं, वो वहाँ पे बेड बना रहा है. एंड सेंट को देखते ही विशेज दैट बाबा, ही सेज राम 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 बाबा. एंड देन द बाबा सेज कि क्या आपके पास कोई बैठने के लिए कोई स्टूल है. सो वो जो कारपेंटर होता है रामलाल, वो तुरंत ही अपना वो स्टूल निकाल कर देता है उनको. तो बाबा ही जस्ट आस्क कि ये कितने का है. देन ही सेज कि नहीं, ये एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, सो आप ये रख लें. सो बाबा वो टूल ले लेते हैं एंड ही बिकम्स वेरी हैप्पी. ही ब्लेसेस द कारपेंटर एंड ही टचेस द बेड एंड सेज सम्स हिम. वो बेड जो वो कारपेंटर बना रहा होता है वो उसे टच करके कुछ ऐसी मंत्र जैसा अपना पढ़ते हैं एंड देन ही गोज अवे. बस उसके थोड़े देर बाद ही कुछ लोग होते हैं जो किंग के जो वो होते हैं ना, वर्कर्स होते हैं किंग के, जो काम करते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं. एंड वो बेड देखते हैं, उन्हें वो बेड बहुत अच्छा लगता है. वो बेड को वो ख़रीद लेते हैं कारपेंटर से और काफ़ी अच्छे अमाउंट में उसको ख़रीदते हैं. और वो कारपेंटर से अच्छा खासा पैसा कारपेंटर को दे देते हैं और वो बेड ले जाके पैलेस में लगा देते हैं. पैलेस में जब वो बेड लग जाता है तो राजा जो है उस पर रात में खाना वाना खाने के बाद वो सो जाता है. सडनली राजा को एक आवाज़ सुनाई देती है, तो वो थोड़ा डर जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. तो वो देखता है, उसको ऐसा लगता है कि बेड के नीचे से आवाज़ आ रही है. वो स्ट्रेच करता है अपने आप को और वो बेड के नीचे देखता है, तो देखता है कि बेड के जो स्टैंड्स हैं, जो लेग्स हैं, जो चार जो लेग्स होते हैं बेड को खड़ा करने के लिए, उनमें से एक जो है वो निकलता है. और वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो पैलेस में हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा पैलेस घूम कर आऊँ, तो क्या तुम लोग तीनों तब तक इस बेड को संभाल के रखोगे. तो वो लोग कहते हैं ठीक है, तुम घूम कर आओ. वो जाता है, घूम कर आता है. वो ये चीज़ सुन के जो राजा है वो काफ़ी शॉक हो जाता है, मगर फिर भी वो चुपचाप देखता रहता है कि ये क्या हो रहा है. वो पैर जो है कुछ देर बाद घूम कर वापस आता है और वो आकर ये चीज़ बताता है कि उसने मतलब क्या क्या पैलेस में देखा. वो कहता है कि पैलेस तो बहुत सुंदर है, मगर मुझे बहुत बुरा फील होता है किंग के लिए, क्योंकि किंग के पास जो हैं बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुरे हैं, जो किंग का अच्छा नहीं चाहते हैं. तो एक पैर जो है वो पूछता है, दूसरा लेग जो है वो पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या देखा तुमने. वो कहता है जो किंग का चीफ अटेंडेंट है वो चीफ के डायमंड्स को चोरी कर रहा है, उनके ड्रॉअर से चोरी कर रहा है. ये सुनते ही बाकी लेग जो कहते हैं ये तो बहुत बुरी बात है, और कहने के बाद ही वो सब शांत हो जाते हैं. उसके बाद किंग काफ़ी देर वेट करता है, जागता ही रहता है सुनने के लिए कि आपस में वापस क्या बात होती है, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं देता. और वेट करते करते वो खुद भी सो जाता है. नेक्स्ट डे जब किंग उठकर अपने ड्रॉअर्स चेक करता है तो वो देखता है कि सच में उसके वहाँ पे डायमंड्स नहीं हैं. तो वो समझ जाता है कि वो जो पैर थे वो सच कह रहे थे, बेड के जो पैर्स थे वो सच कह रहे थे. तो फिर वो अपने चीफ अटेंडेंट को बुलाता है, और जो वो रहती है वो अपना जो जो उसने गलत काम किया वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है. वो कह देती है कि हाँ मैंने ही चोरी की है. तो वो डायमंड उससे वापस ले लेते हैं राजा, और उसे वापस पनिश कर देते हैं. नेक्स्ट इवनिंग को क्या होता है, जो राजा है वो अपने सारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर लेता है, जल्दी खाना खा लेता है और बेड पे चला जाता है ये जानने के लिए कि वापस से क्या वो लेग्स बात करते हैं, कुछ होता है या नहीं होता है. तो उसके कुछ देर बाद ही फिर क्या होता है, सेकेंड लेग जो है वो कहता है कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर जाऊँ, और क्या तुम लोग इसको बेड को संभाल लोगे अगर मैं चला जाऊँ तो. तो तीसरा जो पैर है वो कहता है कि हाँ तुम जाओ, हम लोग ध्यान रखेंगे, राजा को पता नहीं चलने देंगे, तुम आराम से जाना मगर जल्दी आ जाना. तो सेकेंड लेग जो है वो चला जाता है, और किंग जो है ये सब कुछ ध्यान से सुनता रहता है. वो वापस जब कुछ देर बाद जब सेकेंड लेग आता है तो उससे फर्स्ट लेग पूछते कि तुम कहाँ गए थे. वो कहता है कि मैं गार्डन में गया था और मैंने देखा गार्डन बहुत सुंदर है, वो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं. पर मुझे किंग के लिए बहुत सॉरी फील होता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे जितने भी वर्कर्स हैं, उसके जितने भी स्टाफ्स हैं, वो बहुत ही मतलब फेथफुल नहीं है उसके साथ, वो सब उसे धोखा दे रहे हैं. तो सेकेंड लेग फिर पूछता है कि ऐसा क्या देखा तुमने. वो कहता है जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि जो गार्डनर है और जो ट्रेजरर है वो दोनों जो है बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स है जो चोरी करके गार्डन के मिट्टी के नीचे छुपाते हैं, और ये इस तरह से राजा को ठग रहे हैं. ये कहते ही तो बाकी लेग्स कहते हैं ये तो बहुत बुरी बात है. फिर वो लोग शांत हो जाते हैं. राजा जो है फिर नेक्स्ट डे जब उठता है, वापस जाता है, जाकर वो वहाँ पे डिग करवाता है, तो सच में वहाँ पे गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं. वो ट्रेजरर को और गार्डनर को जो है वो डिसमिस कर देता है, और वो
कॉइन्स को रख लेता है, उन लोगों को हटा देता है। फिर थर्ड डे फिर वो जागता रहता है, थर्ड नाइट को जागता रहता है देखने के लिए कि आज क्या होता है। तो जो थर्ड लेग है वो कहता है कि मुझे जाना है, तो वो कहता है कि ठीक है आप जाओ मगर थोड़ा जल्दी आ जाना। मगर थर्ड लेग को काफ़ी टाइम लग जाता है। बहुत देर बाद जब वो आता है तो बाकी लेग्स जो है वो कंप्लेन करने लगते हैं कि तुम इतने देर से क्यों आए, हमें हैंडल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मगर वो कहता है कि मैं बहुत सॉरी हूँ इस चीज़ के लिए, मगर मैं क्या करूँ, मैं जो चीज़ आज देख कर आया हूँ, जो सुन कर आया हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो लोग पूछते हैं कि क्या देखा तुमने, ऐसा क्या था? तो वो कहता है कि मैं बस ऐसी राउंड पे गया था, मैं सारे बाउंड्रीज़ में घूम रहा था, तो मैंने देखा कि चीफ मिनिस्टर जो है वो दूसरी कंट्री के दुश्मनों के साथ प्लानिंग कर रहा है किंगडम को अटैक करने के लिए। वो राजा को धोखा देने वाला है और बहुत जल्दी यहाँ पर अटैक होने वाला है और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो सारे लेग्स कहते हैं ये तो बहुत ही बुरी बात है, अब देखो ठीक है सब राजा को धोखा ही दे रहे हैं, ये कह के सारे शांत हो जाते हैं। और वो जो थर्ड लेग है वो ये भी कहता है कि इनफैक्ट अभी भी जब मैं वापस आया हूँ तो अभी भी वो चीफ मिनिस्टर और जो उसके दूसरे कंट्री के जो एनिमीज़ है वो लोग अभी भी बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं इसको अटैक करने के लिए। तो राजा सुनते ही बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और तुरंत अपने गार्ड्स को लेकर जाता है और वो देखता है कि सच में वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और जो बाहर के एनिमी के लोग हैं वो सब प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो तुरंत उन सबको अरेस्ट करवा लेता है और वो मन ही मन में बेड को बहुत थैंक करता है कि बेड की वजह से उसकी सारी चीज़ें सुलझती जा रही हैं। उसके बाद थर्ड नाइट को फिर वो फोर्थ नाइट को वापस से वेट करता है। फोर्थ नाइट को क्या होता है, फोर्थ वाला जो लेग है वो जाता है और वो वापस आ जाता है। इस बार वो भी एक शॉकिंग न्यूज़ लेके आता है। वो कहता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ ये देखकर कि राजा ने जो अपनी दूसरी शादी की थी उसकी फ़र्स्ट वाइफ के डेथ के बाद उसने जो सेकंड शादी की थी, तो सेकंड क्वीन जो है वो चाहती है कि उसके फर्स्ट क्वीन के बेटे की वो जान ले ले, तो मतलब प्रिंस की जान जो है वो ख़तरे में है। तो बाकी लेग्स पूछते हैं कि कैसे ख़तरे में है। वो बताता है कि जो सेकंड क्वीन है वो चाहती है कि उसका जो बेटा है वही प्रिंस बने, वही किंग बने आगे जाके, इसलिए वो जो बड़े वाले प्रिंस है, बड़ी फर्स्ट क्वीन का जो बेटा है वो उसकी जान ले लेना चाहती है। इसलिए कल जो है प्रिंस जो है सारे हंटिंग के लिए जाने वाले हैं, तो विकेट क्वीन के जितने भी स्टाफ्स हैं वो भी साथ में जाएंगे और मौका देखते ही वो लोग उसकी जान ले लेंगे। और ये सुनते ही किंग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, एकदम शॉक हो जाता है और वो तुरंत अपने गार्ड्स को लेके क्वीन के रूम में जाता है और वो क्वीन को और उसके स्टाफ्स को अरेस्ट करवा लेता है। और मनी मन बहुत थैंकफुल होता है उस बेड को लेके, बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल कहता है। और फिर जितने भी गोल्ड, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स होते हैं जो वो कारपेंटर को भिजवा देता है, क्योंकि कारपेंटर की वजह से ही उसको वो बेड मिली थी। वो कारपेंटर से बहुत खुश होता है और उसके बाद फिर वो कई रात फिर हमेशा वेट करता रहता है कि शायद कभी वो बेड के जो पैर हैं वो बात करेंगे और उसे और भी चीज़ें पता चलेगी। पर कभी ये चीज़ कभी ऐसी दोबारा चीज़ होती ही नहीं है कि वो लेग्स जो है वो आपस में बात कर रहे हों और किंग को फ़ायदा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में जो रामपाल हैं, जो कारपेंटर हैं, उन्होंने अच्छी चीज़ की सेंट के साथ, तो सेंट ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी और उनके अच्छी चीज़ की वजह से उन्हें पहला रिवॉर्ड भी मिला। ये मिला उनका पहला रिवॉर्ड ये था कि जो किंग जब बेड खरीद के, किंग के जो स्टाफ्स होते हैं वो जो बेड खरीदते हैं तो अच्छे खासे अमाउंट में बेड खरीदते हैं। और फिर सेकेंड टाइम पे भी लास्ट में फिर किंग वापस उसे बहुत सारे गोल्ड्स देता है। और यहाँ किंग को भी फ़ायदा होता है कि उसकी चार चार चीज़ें जो है वो बच जाती हैं। अच्छे काम करने से अच्छा ही होता है, ये हमें स्टोरी में देखने को मिलता है। और ये स्टोरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड शॉर्ट सी स्टोरी है, सो आप लोग प्लीज़ स्टोरी को पढ़ना एंड रीड करके समझने की कोशिश करना। ये समरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़ो आपको अच्छा लगेगा। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। सो विल बी एंडिंग अप दिस वीडियो हियर ओनली। सो थैंक यू एंड डू रीड द स्टोरी, एंजॉय, थैंक यू।